कि मैंने हॉन्टेड ब्लॉक क्यों बंद किया, मैंने कभी भूत देखा है क्या, ब्लॉक करना चाहिए क्या, सच में भूत होते हैं क्या। दोस्तों मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। मुझे पता है मैं कंटिन्यू नहीं हूँ ये चैनल पे क्योंकि मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि ये चैनल पे आते रहो, कुछ ना कुछ आप लोगों से बातें करता रहो, कोई ना कोई हॉन्टेड स्टोरी सुनाता रहो आप लोगों को। तो आज मैं ना बहुत सारी चीज़ों पर बातें करना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहला पॉइंट मैं पकड़ता हूँ कि मैंने हॉन्टेड ब्लॉग क्यों बंद किया, मैंने कभी भूत देखा है क्या, तीसरा हॉन्टेड ब्लॉग करना चाहिए क्या, और चौथा क्या सच में भूत होते हैं क्या। तो ये चारों टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ अब आप लोगों के सामने। तो सबसे पहला टॉपिक ये है कि मैंने हॉन्टेड ब्लॉग क्यों बंद किया। सबसे पहले मैं वो आप लोग को बता देता हूँ। हॉन्टेड ब्लॉग, जैसे आप लोग ने देखा होगा कि पहले मैं बहुत हॉन्टेड ब्लॉग करता था, बहुत सारी जगह जाता था और एक्सप्लोर करने की कोशिश करता था। कभी कभी बहुत अबंडेंट प्लेस होते थे, उसकी डीप जाता था कि भाई क्या है, अंदर चले जाते थे हम लोग कि अंदर की तरफ क्या है और क्या हमको कुछ नेगेटिव एनर्जी वहाँ से मिलती है, क्या असलियत है, क्यों इतने साल से बिल्डिंग बंद है। बहुत सारी बातें हम लोग पता करते हैं जब हम लोग हॉन्टेड ब्लॉग करते थे। वो बंद क्यों कर दिया, सबसे पहले एक बात बताता हूँ। देखो बंद क्यों कर दिया मैं आप लोग को बताऊँ, क्योंकि क्या होता है कि देखो, एक तो पहली बात, रात का टाइम कभी भी एक बात याद रखना, रात का टाइम अगर आप 12 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक की बात करो या 3 बजे 4 बजे तक की बात करो ना, तो वो टाइम है ना एक अलग ही एक नेगेटिविटी रहती है। कोई भी आप घटना देख लो, कोई भी अगर आप दुर्घटना घटना या तो कोई मर्डर केस या कोई मर्डर या किसी को मारना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। चोरी करना, चोरी मतलब बहुत सारी चीज़ें रात के टाइम में ही होता है। तो हम लोग जब भी जाते थे तो हमारे साथ भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो जाते थे कि कोई गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दिया है, किधर जा रहे हो, कोई ठक ठक कर रहा है, मतलब बोलते हैं ना गाड़ी, हम लोग कहीं पे पार्क लगा के अगर हम लोग शूट करना चाह रहे हैं तो कोई ठक ठक कर रहा है, कोई मतलब ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट हम लोग के साथ हो गए थे रात के टाइम। कोई बेवड़ा मिल जा रहा है, कोई छपरी लोग मिल जा रहे हैं जिनके हाथ में चाकू है, तो ये बहुत सारे इंसिडेंट हम लोग के साथ हो के हम लोग ये सारी इंसिडेंट से गुजर के हम लोग आज ये स्टेज पे पहुंचे थे। तो फिर बाद में मैंने डिसाइड किया कि भाई ये हॉन्टेड वीडियो बंद कर देना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी रहती है, एक नेगेटिविटी आपको वो अंदर से ही आएगी कि हाँ वो हॉन्टेड वाली नेगेटिविटी है। आपके साथ ना हो फिर मॉर्निंग, और एक तो पूरा रात ख़राब होता था, मतलब आप सुबह जाके 6 बजे सोना, पूरा रात भर उसके बारे में सोचना, वीडियो बनाना, उसके बाद सुबह 6 बजे उठना, मतलब एक पूरा सर्कल पूरा ख़राब हो चुका था एक नाइट हॉन्टेड ब्लॉग के वजह से। तो इस वजह से वो सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी। तो आप लोग को बहुत सारी बातें इसमें क्लियर हो गई होगी कि क्यों बंद कर दिया। अब बहुत सारे क्वेश्चन मुझे ये आते हैं कि पवन भाई आप बोलते ना कि पवन भाई आपने कभी भूत देखा है क्या। तो मैं बताना चाहता हूँ, देखो मैंने भूत नहीं देखा है कि आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने भूत देखा है, मेरे आंखों के सामने सफ़ेद साड़ी पहन के खड़ी थी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उल्टा पैर था उसका, मैंने बहुत दूर से एक परछाई देखी, एक साया देखा, ऐसा बहुत सारे लोग मिथ करते हैं। बट मैं अगर मेरी बात करूं कि मैं बहुत टाइम से ऐसा हॉन्टेड ब्लॉग बनाने 2-3 साल से हॉन्टेड ब्लॉग बनाने के लिए निकलता था, हॉन्टेड ब्लॉग ढूंढता, गाँव में ढूंढता था, बहुत सारे जगह गया हूँ मैं हॉन्टेड ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं किया कि मैंने किसी भूत को देखा या किसी व्यक्ति को देखा। हाँ मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक नेगेटिव एनर्जी फील होती है। देखो आप अगर किसी नेगेटिव ऐसा कोई कि बहुत सालों से वो घर बंद है, वो घर में कोई नहीं जा रहा है, अगर आप कोई ऐसे जगह पे जाओगे ना तो आपको नेगेटिव एनर्जी फील ज़रूर होगी, आपको कुछ ना कुछ वहम होगा, वहम कि कोई मेरे बाजू से गया, ऐसा कुछ होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और जो हमारे वीडियोज़ में हम लोग ने जितना भी फील लिया होगा वो हमारे वीडियोज़ में हम लोग ने देखा होगा या सोचा होगा या कुछ ऐसा रिएक्शन हम लोग को लगे होंगे, तो हम लोग को जैसा फील हुआ वो हम लोग ने आप लोग के साथ शेयर किया था। हाँ नेगेटिव एनर्जी बहुत बार ऐसा होता है ना, नेगेटिव एनर्जी कि आप लोग देख लेते हो, किसी के अंदर आ जाना, कुछ चीज़ें हो जाना, वो नेगेटिव एनर्जी होती है जो आप लोग को नज़र आता है, वो भी हम लोग ने कभी फील किया था। और रही बात कि अब आप लोग सोचते हो कि भूत होते हैं या नहीं होते, तो मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। देखो अभी अगर आप मुंबई, जैसे हम लोग मुंबई में रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 24/7 आपको लाइट मिलेगी, 24/7 कुछ ना कुछ हलचले आपको मिलेगी, कोई गाड़ी जा रही है, कोई ये जा रहा है, आप मुंबई में रह रहे हो, ठीक है। यही अगर आप किसी अबंडेंट प्लेस में चले जाओ जो बिल्डिंग 20 साल से बंद है, जिस जगह पे 20 साल से कोई नहीं गया है,
जो जंगल वाली एरिया हो गई या कुछ ऐसी जगह हो गई जो नेगेटिव वाइब्स देती है, नेगेटिव एनर्जी देती है, तो वो जगह पे अगर आप जाके देखोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ एहसास ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ फील ज़रूर होगा। जैसे मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, अब आप लोग बोल रहे हो ना कि नेगेटिव एनर्जी होती है, देखो नेगेटिव एनर्जी है ना बहुत पहले से चलती आ रही है, मतलब जैसे कोई दानव के रूप में होता है, जैसे पिछले बहुत पहले बोलते हैं दानव बोलते ना कि राक्षस, ये सब एक नेगेटिव एनर्जी बहुत पहले से चलती आ रही है। नेगेटिव लोग कि दानव होना, राक्षस होना, या कुछ अलग रूप लेके आ जाना, तो ये बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले से चलती आ रही है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये सारी चीज़ें नहीं हैं, मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली कि ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत जगह हम लोग ने ऐसा भी देखा है, बहुत सारे रियल इंसिडेंट भी हुए हैं, बहुत सारे ऐसी भी जगह देखे जो हम लोग ने खुद अपने आँख से देखा है, कितने सारे लोगों का घर बर्बाद होते हुए। घर बर्बाद कैसे होता है, मतलब अगर समझो कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर आ जाती है तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। कोई किसी पे ब्लैक मैजिक बोलते हैं, कोई किसी पे जादू टोना कर देता है तो उसका पूरा घर, समझो 5 साल के अंदर पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाना, किसी फैमिली का एक साथ कहीं ट्रिप पे निकलना और अकाल मृत्यु हो जाना सबका, तो ये सब थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें पोर्ट्रेट होता है, मतलब नेगेटिव ही है वो सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोग, बहुत सारे लोग हैं ना बोलते ना कि बिलीव क्यों करते हैं भगवान ये सब चीज़, क्योंकि भगवान भी है वैसे, नेगेटिव एनर्जी भी कहीं ना कहीं है, तो जितना हो सकता है नेगेटिव एनर्जी, रात का टाइम, ये सारी जगह पे हम लोग ने जाना बंद कर दिया। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों के सामने कोई ऐसे वीडियोस लेके आओ, जो कोई ऐसी कहानी हो जो जिसके साथ घटी हो। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा कि जैसे हम लोग के भी गांव में ऐसा बहुत लोगों के ऊपर ऐसा कुछ आ जाता था, या वो आपको एकदम रियल लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कोई उसके अंदर, उसकी बातचीत करने की चाल चेंज हो जाती थी, उसका बोलने का तरीका चेंज हो जाता था, वो समझो अच्छे से बात, उसके अंदर 10 गुना ज़्यादा ताकत आ जाना, कुछ अलग तरीके से हरकतें करना, तो ये सब नेगेटिव एनर्जी है ना, वो कुछ ना कुछ तो उसके अंग में गया। फिर उसके बाद बाबा को दिखाना या किसी पंडित को दिखाना, ये सब करने के बाद वो सही होना, अपने ट्रैक पे आना, अपने लाइन पे आना, तो ये सब रियल है, ये सब चीज़ें हम लोग ने देखी है, तो ये सब मुझे रियल लगता है। तो इस वजह से मैंने जो हॉन्टेड व्लॉग था वो करना मैंने बंद कर दिया। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि कुछ ना कुछ आप लोग को ये चैनल पर लेके जाओ, क्योंकि ये चैनल हमारा 7.5 लाख पे है, 7.5 लाख मतलब समझ, 7.5 लाख की फैमिली है, लेकिन ये जो 7.5 लाख की फैमिली है वो पूरा हॉन्टेड वीडियोज़ ही देखना पसंद करती है, हॉन्टेड, क्योंकि पूरी ऑडियंस हमारी वही आई है। तो मैं कुछ ऐसे ही आगे मेरा प्लान चल रहा है कि हॉन्टेड से रिलेटेड ही आप लोग को कुछ ऐसा शॉर्ट मूवी या फिर शॉर्ट स्टोरीज़ या हॉन्टेड से रिलेटेड वीडियोज़ या ऐसे ही कुछ आपको ये चैनल पे मैं दिखाऊँ, मेरा यही प्लान चल रहा है। तो देखते हैं जैसे मैं स्टेबल हो जाता हूँ, ये मैं एक अपडेट के लिए आप लोग से बात करना चाहता था। बहुत ही जल्दी हम लोग इस पे काम करेंगे और बहुत ही जल्द कुछ नया कंटेंट लाने का आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे। देखते हैं थोड़ा स्टेबल हो जाए उसके बाद शुरू कर देंगे और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ही आएगी। तो ये चैनल पर जो भी जुड़ा है वो बहुत ही पॉजिटिव फील करे, और उसको मैं एक ही चीज़ बताता हूँ कि बहुत ही अच्छे वीडियोज़ इस पर आने वाले हैं और आएंगे ज़रूर। बाय बाय, सी यू। चैनल को सब्सक्राइब भी रखो, जल्दी बहुत ही अच्छा वीडियोज़ आएंगे।